पीथमपुर नगरपालिका में आज पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला बच्चन ने नगरपालिका प्रांगण में आज दोनों एम्बुलेंस का पूजन कर लोकार्पण किया। रहवासियों की संख्या को देखते हुए नगरपालिका परिषद द्वारा लिए गए निर्णय की बाला बच्चन ने सराहना की। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश पटेल ने बताया कि अभी दो वाहन लोकार्पित किए गए हैं जो 24 घंटे शहर के पीथमपुर और सागौर क्षेत्र पर तैनात रहेंगे। जल्द ही दो वाहन उपलब्ध हो जाएंगे जो अन्य क्षेत्र में उपलब्ध रहेगी जो इस नगर पालिका परिषद द्वारा चलाई जाएगी, जिससे गरीब मजदूर वर्ग को पीथमपुर से बाहर इंदौर महू इलाज के लिए जाने में आसानी होगी। किसी सड़क दुर्घटना में समय जल्दी उपचार के लिए ले जाया जा सकेगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। परिषद में किस तरह की चर्चा हुई और चुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? देखिए सर्वप्रथम तो अभी आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है और हमारे अपने जो कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के जो हमारे पदाधिकारी है आदरणीय श्री निर्मल मेहता जी, आदरणीय श्री कमल किशोर पाटीदार जी, आदरणीय हमारे कुलदीप भाई, आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती सेवंती सुरेश पटेल जी, उपाध्यक्ष पप्पू भाई, सभी हमारे पार्षदगण। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और मैं आप लोगों को पहले अवगत करा दूं कि आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, कार्यक्रम का नाम है परिवर्तन संकल्प अभियान। ये आदरणीय कमलनाथ जी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने परिवर्तन संकल्प अभियान के नाम से हमारे 52 जिलों को करीब 16 नेताओं को इस काम के लिए लगाया है। मुझे धार जिला, खंडवा और बुरहानपुर जिले की विधानसभाओं के लिए लगाया है। तो आज धार जिले की धार विधानसभा क्षेत्र का दिन भर का दौरा है और आज उसकी शुरुआत हम लोगों ने पीथमपुर से इसकी शुरुआत की है। हमारे सभी पार्षदों को हमने सुना है, एक अभी हमारी जो बैठक संगठन की जो हुई है और अब आप लोगों के साथ हमारी जो चर्चा चल रही है। इसका पर्पज और उद्देश्य जो है परिवर्तन संकल्प अभियान का, कि एक तो मध्य प्रदेश में खूब भ्रष्टाचार हो रहा है, खूब 18 साल में शिवराज सिंह जी ने और उनकी पार्टी के लोगों ने जम के भ्रष्टाचार किया है, वो जनता तक पहुंचे, जनता का फीडबैक ले। दूसरी बात जो है जो कथनी और करनी है सरकार के लोग उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरी जो बात है, लगभग 22,000 जो घोषणाएं की हुई आधी अधूरी पड़ी है या स्टार्ट तक नहीं हुई है। और एक चौथी बात जो इम्पोर्टेंट जो है कि 15 महीने की हमारी जो सरकार रही है कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में, वो जो हम लोगों ने काम किए तो मध्य प्रदेश की जनता को खूब अच्छे भाए थे, खूब अच्छे काम लगे थे वो। और पांचवी बात है कि अब हमारी मध्य प्रदेश में जो सरकार आ रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व, हम लोग जो सरकार बनाएंगे आदरणीय खड़गे जी के और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो सरकार बनाएंगे, तो जो हमारे लगभग 5 जो गारंटी जिसका जो अनाउंसमेंट हो चुका है कि नारी सम्मान योजना की बात हो, 100 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त में देंगे, किसानों को 5 हॉर्सपावर तक की जो मोटरों को लगने वाली बिजली हम लोग मुफ्त में देंगे और OPS हम लोग लागू करेंगे, फिर कर्जा माफी करेंगे, ये तमाम योजनाओं के बारे में भी हम बता सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर परिवर्तन संकल्प अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हम लोगों ने की है और उसके अंतर्गत आज मैं अपने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के साथ में उपस्थित हुआ। सर आज 2 दिन से एक मुद्दा चल रहा है आदिवासी युवक के ऊपर, जो एक पेशाब कांड हुआ था उसको लेकर कल शिवराज जी ने उनके पैर धुलाए, उनका जो भी था तमाम चीजें की, उस पर कांग्रेस क्या कहना चाहिए? देखिए हमारा कहना है कि क्या इस तरह की कैमरे की राजनीति से जो अपराध हुआ है, जो पाप किया है शिवराज सिंह जी की सरकार में, क्या वो पाप भूल जाएंगे? क्या कैमरे की राजनीति है? मध्य प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह जी, जिस तरह से वो व्यक्ति को बुला के जैसा जो कर रहे हैं, अरे उनको पहले सुरक्षा दो, सुरक्षा की गारंटी दो। जब कभी भी कोई अगर बड़ा अपराध होता है, घटना घट जाती है, चलिए अगर हम आदिवासी, चलिए सबसे पहले वो जो घटना है इंसानियत को शर्मसार कर दी। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में क्या कर रहा है, वो कितना बड़ा जुल्म किया है, कितना बड़ा अपराध किया है, और क्या पैर धोने से और कैमरे की राजनीति से शिवराज सिंह जी का फेल्योर है वो खत्म हो जाएगा, माफ भूल जाएगा क्या? वो माफ नहीं करने वाले हैं, ध्यान रखना। चाहे वो आदिवासियों के साथ में अन्याय है, अत्याचार है, घटना है, पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है, चाहे वो बिस्तान की बात हो, निमावर की बात हो और उसके बाद सिवनी कांड हो, महू की घटना हो, अन्य जो घटनाएं जो घट रही है, या चाहे अब जो घटना जो सीधी की घटनी, इससे शिवराज सिंह जी का फेलो या शिवराज सिंह जी का तंत्र जो जिस तरह से जो पाप कर रहा है, मध्य प्रदेश की जनता की हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, उससे पूरा नहीं पार सकते हैं। ये आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश की जनता और आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। सर मध्य प्रदेश एक बार सर हर जिले में एक
गुटबाजी में अगर समन्वय नहीं बना तो फिर विधानसभा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो अभी यहाँ मुझे कोई गुटबाजी नहीं दिख रही है। कुलदीप भाई भी बैठे हैं और जयवर्धन सिंह जी भी अभी यहाँ पीछे ही। हाँ, जयवर्धन सिंह जी यही आए हुए, ये कहीं भी हमको देखने को नहीं मिली है। इसका फैसला आने वाले चुनाव में हो जाएगा, जो माइंड में चलता है क्वेश्चन। सर, गुटबाजी नहीं थी तो पिछले 18-20 सालों में अब तक कांग्रेस धार विधानसभा क्यों नहीं चुनाव जीती? ठीक है, उस पे हमारा चिंतन और मनन हुआ है, आप ध्यान रखना। यही प्रश्न मैं जैसा आपसे भी करता हूँ कि इतने समय से नगर पालिका पीतमपुर भी नहीं हम जीत रहे थे, नगर पालिका पीतमपुर ने जीत का खाता खोल दिया। और आप ध्यान रखना, सभी हारों का बदला ये 2023 के विधानसभा के चुनाव में हम धार विधानसभा से भी ये बदला हम ले लेंगे। और हमारा यहाँ हाथ का पंजा जो उम्मीदवार लेकर आएगा भारी बहुमत से वो जीतेगा। 150 से अधिक सीटें हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे, जो मुद्दे मैंने भी आपको बताया है। बाकी जो सुनो, ये है मेरे पास नोट, आज के प्रेस नोट पे ये डिटेल जो आप लोगों के लिए है, आप इसको हम सर्कुलेट भी कर देंगे, आप इससे उठा लेना। मुद्दे इसमें है सर, शिवराज सरकार दबकी बार 200 पार का नारा लगा रही है, क्या इस नारे में कोई दम दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको उसकी पुष्टि कर रहा हूँ कि इसमें कोई दम नहीं है। ध्यान रखना, हमने हिमाचल की सरकार इनसे ली है, कर्नाटक राज्य की सरकार हमने ली है। और ध्यान रखना, जिन दर्ज में जो कर्नाटक चुनाव कैंपेनिंग में मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, शपथ सेरेमनी में भी मैं गया था, शपथ विधि समारोह में भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने यहाँ 5 जो कामों का जो अनाउंसमेंट किया है गारंटी के रूप में, वो हमारा कानून बनेगा। आधे घंटे में हमने वहाँ कानून बना दिया कर्नाटक में, आधे घंटे में हमने हिमाचल में जो कहा था उसको कानून बना दिया। मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे और भारी बहुमत से हम जीतेंगे, ध्यान रखना। सर, महंगाई इन दिनों बहुत चरम पर है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, अन्याय और अपराध बहुत है। शिवराज सिंह जी के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जा चुकी है। शिवराज सिंह जी एक बहुत बड़े फेल्योर मुख्यमंत्री हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाती है भारतीय जनता पार्टी तो उस पर कांग्रेस का क्या रुख? जो कांग्रेस का रुख रहेगा, जब फाइनल जो चीजें होगी उस समय आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। पिछली बार धार विधानसभा में 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस का, इस बार क्या कहानी? इस बार 7 सीटें हम जीते, 7 जीते, हमारी यह तैयारी। और आज का हमारा दिन भर का दौरा भी इससे संबंधित, इससे रिलेवेंट है, लेकिन हम 7 सीटें जीतेंगे। और ये आज की बैठक, आज का जो पत्रकार वार्ता का जो मैटर है, हम लोग आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।